टेक्नो शाद में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रॉयल गैराज ब्रिटिश निर्माताओं की विदेशी कारों से भरा है, जो कार प्रेमियों को खुश करने के लिए निश्चित हैं। और ये सिर्फ आधुनिक उदाहरण नहीं है, बल्कि पुरानी और क्लासिक कारें हैं जो आपको शाही जीवन से ईर्ष्या करेंगी। अपने शाही गैराज का ऐसा ही एक उदाहरण साझा करते हुए प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में साझा किया कि उनका नीला 1970 एस्टन मार्टिन DB6 MKI वोलांटे, जो रानी ने उनके जन्मदिन पर उन्हें उपहार में दिया था, अब बेकार उत्पादों, अतिरिक्त अंग्रेजी व्हाइट वाइन और पनीर प्रक्रिया से मट्ठा पर चलता है। प्रिंस चार्ल्स BBC के जलवायु संपादक जस्टिन रॉलेट से हाल ही में एक साक्षात्कार में बात कर रहे थे, जिसमें वह जलवायु परिवर्तन के बारे में सवालों के जवाब दे रहे थे। प्रिंस चार्ल्स का कहना है कि एस्टन मार्टिन पर ईंधन स्रोत को बदलने का उनका अनुरोध शुरू में थोड़ा प्रतिरोध के साथ मिला था। अपनी पुरानी कार के बारे में और अधिक खुलासा करते हुए प्रिंस चार्ल्स ने पर्यावरण के प्रति अपने जुनून को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के अधिक व्यावहारिक तरीकों का वर्णन किया। उन तरीकों में से एक, वे कहते हैं, अपने एस्टन मार्टिन पर ईंधन स्रोत को परिवर्तित कर रहा है। मेरा पुराना एस्टन मार्टिन, जो अब बेकार उत्पादों पर चलता है, उन्होंने कहा, यह चलता है, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, अतिरिक्त अंग्रेजी सफेद शराब और पनीर प्रक्रिया से मट्ठा। चार्ल्स ने जोर देकर कहा कि एस्टन मार्टिन के इंजीनियरों ने उन्हें एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत खोजा। वे कहते हैं, शुरुआत में उन्हें कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इंजीनियरों ने स्पष्ट रूप से उससे कहा कि ओह, यह पूरी चीज को बर्बाद कर देगा। हालांकि राजकुमार इसे बदलने के लिए अडिग था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे तब नहीं चलाऊंगा। इसलिए वे इसके साथ आगे बढ़ गए और अब वे स्वीकार करते हैं कि यह बेहतर चलता है और उस ईंधन पर पेट्रोल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यह पहला उदाहरण नहीं होगा जब रॉयल फैमिली ने अपनी पुरानी कारों के पावर ट्रेन को बदल दिया है, ताकि वे अपने मूल रूप में वाहन को संरक्षित करते हुए उन्हें अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना सकें। अधिक प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक हॉट के साथ जगुआर ई टाइप को 2018 में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी में चित्रित किया गया था। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को रिमेक द्वारा इलेक्ट्रिक जगुआर ई टाइप 0 प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। कार को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वह अपनी स्ट्रेट 6 मोटर पर वापस जा सकती है, अगर मालिक चाहे तो। प्रिंस चार्ल्स ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने उत्सर्जन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल पर चलने के लिए शाही ट्रेन को बदलने के लिए भी संघर्ष किया। चार्ल्स का कहना है कि वह जलवायु संबंधी चिंताओं के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका उपहास किया गया। उन्होंने यह भी साझा किया कि वह अपने पोते पोतियों के लिए छोड़ी जाने वाली दुनिया को लेकर गहराई से चिंतित हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इस तरह की और सामग्री के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक केयर बाय।